ਰਾਜਾ ਬੰਦੇ ਬਣੋ ਉਹ ਫੁਰਸਿਆ ਕੀ ਕਰ ਲੈ ਓਇਆ ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਤੂੰ ਫਸੀ ਜਾਣਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਬੁੱਟਾ ਸੁਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਪੈਣ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਲੈ ਵੀ ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਹੈ ਰੇਸ਼ਮਾ ਅੱਧ ਤੇ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਮੰਗੇਤਰ ਸ਼ੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਸ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਲੈ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲ ਖਾਣੀ ਨਾ ਤੇ ਦੱਸ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਲੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖਸਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਸ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਲੈ ਕਿਉਂ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਆਹੋ ਮਾਂ ਸ਼ੇਰਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਉਸਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਮਿਲਾ
कामयाब होके आया वा अल्लाह तेरा लख लख शुक्र है की गल माँ जी अदाबर्ज करना लाला जी मैं राम राम करमदीना तू कि आया भाई मैं पहला भी अर्ज किया लाला जी मेरे पुत्र ने बीए पास कर लिया हूँ वो नौकरी का बंदोबस्त हो जाए तो सारी हयाती दुआ देंगा तो कोई फिक्र ना कर करमदीना कोई फिक्र ना कर अभी तेरे काके नु सरकार का नौकर जरूर करा देंगे रब चाहे ते मेरा पुत्र अज ही आ जाएगा लाला जी बस फिर गल मुके तगड़ा चुका जिस वेले आवे सीधा साढ़े कोल कल दे असि डिप्टी अगे ओरी सिफारिश कर देंगे मैं ताड़े ते बड़ी उम्मीद है लाला जी रब दे बाद इस पिंड ताड़ा ही आसरा है करमदीना सच बोलना है पूरा चोलना है डंडी नहीं मारनी राय साहब धर्मदास की हवेली रम कमियार होवे होवे नथू चमियार कोई भी खाली हथ नहीं जाता तू तो फिर चज का बंदा साडा मित्र भी है ईश्वर की कृपा नाल साडी गल ते वैसरा भी नहीं टाल सकता एदे च की शक है लाला जी चंगा हूं मैं चलना आदाब राम राम बोलो कंगलियो तुम कस नु साडी हवेली छौनी पाई बैठे हो मुआ फुटो लाला जी सौकार के बंदे ने मेरी जमीन से जबरदस्ती कब्जा किया है कब्जा कर ले ते मैं की कर दवा हो जाओ दवा हो जाओ मैं तुहाडे नाल ही झगड़ा ना ठीक कर ले बैठा दीवान जी जी इन्हां नु धक्के मार के बाहर कट लियो चलो करो मेरा मतलब पुत्र को चलो अगर ना सच बोलना पूरा चोलना डंडी नहीं मारनी जरा काकी नोरा दे पौरा को होर अगे हां किन्नी उम्र है काकी दी 16 साल लाला जी 16 साल चंगी गल दीवान जी जी महाराज काके की उम्र पूरे 16 साल अर्जी ला लो बुडड़ी की बुडड़ी तू कर जा काके नू नाल ले जा साडा सिया तेनू अपड़ जाओ 16 बारे दीवान जी जी लाला जी पिछले महीने तुसा साबर नू जिहड़ी काकी पेश कीती सी उहदा की बणिया उन्नी ते खूह च छाल मार दित्ती सी हौली बोल नामा निम्मा तू तो फड़ के मेरे प्राणी कट दिते आ लाला जी घबराउण दी कोई लोड़ नहीं बूटा सिंह दी मां बदनामी तो डरदे आ अपनी धी दा दुख कलेजे च कुट के रह गई फिर की बोलना मित्रा वो सके जावा गुरुदेव जिन्हें पिंड वारदे बूटा सहर दर्शन कराते ने सजना दे लब लब के थक गई हाय रब्बा हूं मैं की करा वो करना की 16 साल च बढ़ गई बूटे सहर व्याह कर ले वे बूटा सहर तू हां मैं की हाल है किदा
जगमग कर दी रात छजिया हुई सड़क जिस वेले मैं सड़क जाते चाहे कदमी कर ला सा तो मेनू इंज लग गया हरनाम कौर बीमार बकरी वांगू मेरे मगर मगर है चल झूठा वो झूठा नहीं बूटा बेलकूफे अरसे बाद आया तो ना ही बदल दिता ही तू यकीन कर हरनाम कौर सौ गुरां दी खाबा जो तेरे दर्शन करने सर पर तू ये दस शहर मेली लैके की आया मैं मौरा है ना हाल चल पूछे तो ना कोई तो की लैके आया तू यकीन कर हरनाम कौर मैं बड़िया छगाता लैके आया सो तो बेड़ा गर्क हो उस ड्राइवर का मैनू सड़क च सुट गया मेरी सारिया सगाता लैके घर चला गया खौरे भैन का विह सू तू मैं ये दस आ छपड़ के किनारे तू खलोती है डौले फड़न दी है कि मुंह तो आई नहीं मेरी जुत्ती वो मार अपने मुंह से इन्हें अरसे बाद आया फिर जुत्ती मेरा मतलब है कि मेरी जुत्ती को चुरा के ले गया वे हैं जुत्ती वो हाँ। किधर दूर ले गया थी वो मैं ठहर ओ खाना मौरी दिया ओ बेकार था को शर्म कर ओ तेरे मुंह ते एडी लम्मी दाढ़ी है ते जवाना कुड़ियां दी जुत्तियां चाउना नहीं इस तरह नहीं मन्ना बूटा थिया अगे वध के दीदी चंगी तरह खबर लै मैं कहना जुत्ती इधर फड़ा दे नहीं तो गाटा ला के तली दे तर दूंगा नहीं कूंगा अगो ठहर जा फिर मैं आया ही खाना खराबा किसे लुक गया और फड़ा जुती कुड़ी दी और छाड़ो तेरा बेड़ा करके पहले हरनाम कौरे तेरी गुरगाबी मिल गई है मर गया हरनाम कौरे बूटा सिंह पहले तू हसया तो बाद च रोया क्यों में लभी हरनाम कौर हसया मैं इस गलिया कि तेरी वो गुरगाबी दे गया तो रोया मैं इस गलिया मेरी वो धोती ला के लै गया मैं मर गई डह गल तू मेरे नाल घर चल तेन ए धोती करो दे दिया तो ठीक है पर घर जान तक मैं इटा खाता जावा इस कार चुनी मैं दे दो मैं लक बन लवा है मूह उधर रखी चल तुर पाओ खबे अठ चल शाबाश चल चल गुरु राखा बेबे का आ गए हैरानगी केड़ी गल कोई मैं ट्रक थले आ गया और मैं अपने घर आया बेबे मैं दहा और गुरु की कृपा के नाल मैं नौकरी भी मिल गई आगरा झाती पा मेरे खीसे वो आहो आहो रह बाहर नहीं करनी चीजा सोने चूड़िया बना के लाया भैन बंतो आएगी तो बखावगा है वो मैनू भैन बंतो नजर नहीं पी आती वो किथे मर गई है बंतो वो तू कुछ जवाब दे कूंदी क्यों नहीं बंतो बंतो मर गई है बूटा ओए की कहते बेबी और मेरी भैन मर गई है वो मरी नहीं बूटा सियां मार दिता गया है अंग्रेज जिप्पी ने तेरी बहन की इज्जत लुट ली थी ते उन्हें खूह विच चार सट मारी है बस कर बेबे बस कर ओए सात समुंदरों पार आण वाले अंग्रेजा आज तो बूटा तेरी मौत बन गया है गैरतमंद भरा और मैं एक माझे का शेर ते माझे का शेर सुते हुए दुश्मन से कभी बार नहीं उकरता उठ ते मेरे अगे लग के तुर पाओ मैं तेनू उठ ले जा के मारांगा जिथे मेरी भैन मरी थी भैन कौन भैन तू किस का आया है मैं हर उस भैन का भरा हाँ जड़ी मेरे देश की धी अज मैं अपने देश दिया धियां भैन का बदला लेन आया तुम क्या बोलता है उठ
मैं फिरंगी की नौकरी नहीं करा बाजी है उपर असी तेन थानेदार भर्ती कराने का सारा इंतजाम भी कर लिया मैं मुलाजमत का सख्त नफरत है बाजी अंग्रेज ने पुलिस का महकमा मुजरमा वास्ते नहीं आजादी के परवाने खत्म कर ली अपनी हुकूमत कायम रखने कोई हुकूमत पुलिस के बगैर कायम नहीं रह सकती पुलिस में आवे तो लुचे लफंगे आवारा चोर से डाकू साडा सा लेना मुश्किल कर दे एक मिनट चली पै जाए यह गलत है बाजी अंग्रेज ने पुलिस का सहारा लैके साम्राज्य के दुश्मनों जेल च बंद किया शेरे अंग्रेज हुकूमत के पुराने के वफादार मुलाजम का पुत्र होके हुकूमत की मुखालफत तेन जेब नहीं दिखी तेन पता नहीं अभी 14 साल थानेदारी की है यह बागियाना ख्याला साढ़े नाल तेरा मुस्तकबिल भी बर्बाद कर देंगे अब्बा जी मुसलमान का मुस्तकबिल पाकिस्तान वाबस्ता है पाकिस्तान 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 जिन्हें सारी दुनिया एक दीवार का खाफ कहती है अब्बा जी गुस्ताखी की माफी चाहना अब्बा जी मैं अपने कायदे आजम की शान च गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकिया मैं क्या तुसी की आंदे मेरे पुत्र दे वैर पै गए शेरे की मां इस नालायक नु शहर इस वास्ते नहीं सी भेजा कि पढ़ लिखे साडी सारी उम्र की कमाई इज्जत आबर नु खाक च मिला देवे मैं मुल्क के काम गद्दारी नहीं कर सकता पाजी मेरे को अपनी हिम्मत से सुलझ नहीं हो सकता मैं तो यह पढ़िया जाबर हाकम के सामने सच्ची गल कह देना सब तो बड़ा जहाज है जहाज करना ही मक्के चला जा ए तेरे अंदर कोई लोड़ नहीं नालायक आदमी तेरी सिफारिश की चक्कर तक करके मेरिया जुत्तियां कर दी ते तेरे दिमाग जहाज का कीड़ा बह गया कान खोल के सुन ला शेरे मैं तेन थानेदार की वर्दी देखना चाहना मेरा आखिरी फैसला है इना गर्म होने की कोई जरूरत नहीं हूं मेरे पुत्र कुछ ना कहना तुसी जाओ मैं आप ही समझा लांगी तुसी मेरी जन्नत हो मां जी तुहाडा हुक्म मेरे सिर मत्थे ते पर रब दा वास्ता जे मैं अंग्रेज की नौकरी वास्ते ना कहना हुकूमत की नौकरी बड़ी गल है पुत्र लाला धर्मदास ने तेरी सिफारिश का वादा कर लिया तू अज ही जाके उन्हें मिल ले अब्बा जी मैं नौकरी नहीं करांगा नौकरी नहीं करेंगा तो होर की करेगा मैं कायद आजम का एक अदना सिपाही बन के अपने मुल्क नूं अंग्रेज की गुलामी तो आजाद करावांगा फिर सानू सारयां नूं जहर दे दे ते आप हुकूमत नाल टक्कर लेके ते जेल टुर जा जिउंदा वापस आ गया ते लीडर बन जाएगा तुहानू ते यकीन नहीं आना अब्बा जी पर वेख लैणा एक दिन पाकिस्तान जरूर बनेगा ओए पाकिस्तान ते बन जाएगा पर बैण दी डोली कदों चुकेगा जदों घर बैठे बैठे दा सिर चिट्टा हो जाएगा तेरा अब्बा ठीक कहता पुत्र नाले असि कदों तक जवान धी घर बिठाई रखा जा मेरा चंद पुत्र जा शाबाश अच्छा मां जी नाले अदब अदाब नाल गल करी लाला धर्मदास कोई छोटा जहा बंदा नहीं बड़े असर रसूख वाला आदमी है हरिओम हरिओम ओम तत्सत लक्ष्मी देवी अंग्रेज सरकार का परछावा साडे सिर से सदाई कैम रखी नहीं तो आ मसले सानू वढ़ के खा जाएंगे पिता जी तुसी मुसलिया को इना क्यों डरते हो कसके शीला मुसले मास खाते इसलिए नाले तू इना मुसलिया की तवारीख नहीं जान दी का इना पिस्सुआ ने साडा बड़ा ही खून चूसिया सच बोलना पूरा तोलना डंडे नहीं मारनी इन्हों के वड वटेर कई साल सानू अपना गुलाम बनाई रखिया भगवान जी साडे किंग जॉर्ज का राज आया ते फिर सानू सुख का सा मिले लाला जी सीताराम 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 लाला जी करमदीन का काका आया सलामत करना लाला जी सच बोलना पूरा तोलना डंडी नहीं मारनी तेरा बापू साडे को आया थी मेरी नौकरी ली हामी भर ली है अंग्रेज राज नौकरी मिलना पुत जान जोखो का काम है जिन्हों अंग्रेज की नौकरी मिल जा समझ लो बड़ा भागा वाला जी है अभी सब बहादुर की तेरी सिफारिश कर देंगे तेन नौकरी जरूर मिल जाऊ पर साहब बहादुर ने जरा प्रसन्न करना पौ पुत जरा खुश करना पौ लाला जी इंशाला मैं शिकायत का मौका कभी नहीं आन देंगे पक्का तू साडा मतबल नहीं समझिया दीवान जी जी महाराज मुंडे नूं समझाओ सारी गल पा दिओ पिड़ पल्ले जो आग्या
ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲਾਲਾ ਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਚ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਮੀਨੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਦੁਆਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ 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 ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਆਏ ਫਰੰਗੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਆਬਰੂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲਾਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਫਰੰਗੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਬੁੜੀਆ, ਧਿਆਨ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਰੀਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬੇਗੈਰਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਕੜ ਭੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਆਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕਾਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਡਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅੱਬਾ ਜੀ, ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨਾ ਗੁੰਗਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਬੋਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਕਮੀਨੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁੰਗਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਭਰਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅੰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗੈਰਤ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਚ ਪਾਣੀਓ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਕੀ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਅੱਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਮਦਾਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਅਨਵਰ, ਲਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਲਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਐਸੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੌਲ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਪਾਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੇਹਯਾਈ ਦੀ ਕਾਲਾ ਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਲਾਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਕਰ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲਾ ਯਾਰ ਬਣ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ। ਲਾਲਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹੀ।
सवाली बना के लिया आई मैं तेन अपनी मजबूरी भी दसांगा शेरे ते वो सवाल भी करांगा जड़ा अद्धी राती मैनू तेरे घर लिया आया अपना घर आखन तेन मेरी जान की भी लोड़ है ना तो भी हाजिर है तेन पता शेरे मेरी मां बड़ी सख्त बीमार है कोई भरोसा नहीं वो मरण तो पहले अपनी धी के हथा से मेहंदी वेखना चाहती है वो चाहती है कि जिनी छेती भी हो सके वो धी के हथ पीले कर दिते जा तो शेरे इन्नी छेती मैं अपनी भैन वास्ते वर नहीं लग सकता अपनी मां की ख्वाहिश छेती पूरी करने लई मेरे जहन सिर्फ एको गल आई है वो की तू मेरी भैन अपनी बीवी बना ला शेरे सवाल का सवाल सुन के मूंह क्यों फेर ली अनवर मेरी गल का जवाब नहीं दिता मैं तो सोचा सी पता नहीं मेरा यार मेरे को की मंगेगा तू तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी है ते दस जंज किहड़े दिन लैके शेरिया तू जो चाहे जंज लैके आ जाए मैं अपनी भैन की जोली तेरे नाल तोड़ देंगा फिर परसों जंज तेरे घर आएगी ओए खुश कर दिते शेरे खुश कर दिते चंगा हुण मैं चलना और नहीं यार जितना तेने रख के गल्ला भी नहीं कीतियां ना ही तेने रोटी पानी पूछिया ओए एक रात दे यार दे घर ठहरता यार नहीं शेरे वेला बड़ा थोड़ा ते कम बहुते ने चंगा रब राखा रब राखा मां मेरे यार ने यारी का मान रख लिया वो परसों बरात लेके आ रहे हैं तू ही गरीबा मस्कीना दी लाज रखने वाला है मां मैं छेती ना पैसे दे दे मैं शादी का समान जेवरात लैन लई उन्हें शहर टुर जाना जी अब्बा जी ये सच है तू अपनी मां नूं आख्या कि मैं रेशमा नाल नहीं अपने यार दे भैण नाल शादी करांगा आहो अब्बा जी मैं अपने यार नूं जबान दे बैठा ओए तू यार नूं जबान दे बैठा ते मैं भी रेशमा दी मां नूं जबान दे बैठा तैनू अपने बाप की जबान का कोई एहसास नहीं मैंने तुहाडी जबान का बड़ा एहसास है बाजी पर मैं दोस्ती इतों मजबूर हाँ जे तू दोस्ती का मान रखना चाहना है तो तैनू साडा लगेगा मैं तुहाडा हर मान रखने लई तैयार हाँ बाजी तू अपने यार की भैन नाल शादी करके अपनी दोस्ती का मान रख लै सानू मंजूर है तो अंग्रेज की नौकरी करके साडा मान रख लै दोस्ती ते दरिया एड्डी वड्डी शर्त खड़ी कर दी जे मैं अपनी शर्त कयामत तक खलोता रहांगा शेरे कदम तू चुकना तेरे यार दी भैन दा सेहरा भी तेरे सामने वे ते अंग्रेज दी वर्दी भी मैं अपने यार दी भैन नूं सूआ चौड़ा जरूर पावांगा भाजी भावें मैनू अंग्रेज दा कफन पाना पै जाओ भाजी मैं अपनी दोस्ती दा ताज सलामत रखन लई बरतानिया के ताज का गुलाम बन जाएगा गुलाम बन जाएगा नहीं एक कदे नहीं हो सकता मां शेरा मेरे सिर का सेरा किसी होर मुटियार के सिर पर नहीं बन सकता नहीं कदमा मारी मां के नीले सिर में देख के भी जो यकीन नहीं आया तो जा जाके पिंड वालिया की जुबान में सुन ले वो इस इतवार में सेरे बन के अपने यार दे बुरे ते जा रहे हैं जे ये गल सची है मां ते इस इतवार ने एक सेरा होर बना ली जेड़ा मैं अपनी कबर से आप पा लगे कितना था शेर जी खबर मैं सुन के आई हूं वो झूठे के सच है जे वो सच हुई ते तेरे प्यार की कसमें मैं मर जाऊंगी तेरी चुप तो मतलब कि तू मैं अपनी शादी अपनी यारी देखो मजबूर होकर कर रहा
सारे मिट्टी के खिलौने रेशमा, फर्क सिर्फ है कोई महंगा बिकता है तो कोई बड़ा ही सस्ता बिक जाता है। पर इस बदनसीब खिलौने दी तू कोई कीमत नहीं पाई, कोई मूल्य नहीं पाया मेरे प्यार का। अपने प्यार में जिंदा रखना चाहिए रेशमा, तो फिर अपने हथा ना मेरे सिर पर सिरा पान रखती सौ और सिरे के फुलों में हमेशा तेरे प्यार की खुशबू रखती है। चाह चली जा रेशमा, अपने प्यार की अखा चतरों वेख के इतने मासूम इरादा ना बदल देवा। इतों चली जा रेशमा, चली जा रेशमा। सरकार की कृपा नाल सब ठीक ठाक है महाराज। वेल वेल धर्मदास, हम तुमसे बहुत खुश, हम तुमको अपना फ्रेंड बोलता फ्रेंड। धन्यवाद मेरे महाराज जी, आज केरी दे कारण रहे आ गया। हाँ धर्मदास, तुमको मालूम आज सैटरडे नाइट है। बहादुर जी मेरे सुनो, कल सच बोलना पूरा तोलना डंडी नहीं मारनी, मैंने चंगी तरह याद है, मैं सारा इंतजाम किया हुआ। वेरी गुड वेरी गुड। वो वाला झोपड़ी मांगता जो तुम्हारा मुनीम हमको दिखाया, हम तुमको एकदम कंदम कर देगा, कंदम। अरे महाराज जी गजब ना करना, तुम आराम करो, मैं मिनट से घंटा के बीच कोई ना कोई सरबंध करना उन्हें करना महाराज जी। अरे ओ अरे ओ महाराज लाली दीवान जी। जी महाराज हम की करिए, आगे आगे हो। अच्छा तुम सारे जाओ, करमदीन की काकी ने चख के लाया। राम 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 राम। वो मुसले की धीए महाराज, उन्हें चुकना बड़ा जान जोखा का काम है लाला जी, उसका प्राण मर सादा खून पी जाऊंगा। अरे मूर्खा, ऐस वेले वो सारे सुते होए होए होए, जे फिर भी वो तुहाडे नाल कोई वादी घाटी करे ते उहदे आ चांडा ठापा कर दिओ, फिकर वाली कोई गल नहीं, करेज मारा साडे नाल आ। Thank you.
अब्बा जी माँ जी बाबा का चीज है तुम भी पियो पियो आप बता तू खारत करे आप करे तेरे हाथ टूट जाए आप करे तेरे से आसमानों पिछले जगह पाएगी का कोशिश मत करो छोकरी इधर से जाने का कोई रास्ता नहीं जे मैं हूं जिस रस्ते से जान लगी हूँ उस रस्ते तो तू देखी तेरी सारी काम भी मेरा पीछा नहीं करता सिमरन की मैं अपनी जान दे देती पर तेरी इज्जत तो दाव दाव लाली अनवर पुत्र असि पिंड भी पढ़ना है भाई हूँ देर का दी है देर तो कोई नहीं चाचा जी हूँ तो सिर्फ मोटा ही देना है ठीक है मालिक साहब तुम निकाह पढ़ो जी औज बिल्लाही शैतान बजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाली भाभी का मुंह ही नहीं वेख्या अब्बा जी बोटी मरी हुई है बोटी मरी हुई है बोटी मरी हुई है बोटी मरी हुई है ओए जे तेरी भैन मारी गई थी तो उन्हें शगना का जोड़ा क्यों पाया था ते जे शगना का जोड़ा पवा ही दिता था तो उन्होंने डोली पाल दी था कब्रिस्तान क्यों नहीं सही चौधरी साहब भैणा दिया डोलियां भरावां दे घरों उठदियां ने ते जनाजे सहुरियां दे घरों चुके जाते थे अपनी भैन की डोली नूं कंधा मैं दे देना ते जनाजा तुसी अपने घरों तोड़ देना
मैं यार दी यारी पुत्र सारे ब्याह देने ते यार दी यारी कोई कोई ब्याह देने अज मैं अपने यार दी कोई गल नहीं डालांगा डोली चुको ए ते बाजे बजाओ इनका जनाजा मेरे पिंड उठेगा बाजे बजाओ ए अगर सो गया तो तुम्हारा कौम जाग जाएगा हम उस वक्त तक जागता रहेगा जब तक तुम्हारा कौम का गैरत नहीं सो जाता हम हाकिम है और तुम गुलाम समझा देखा उसको बूटा फिरा कि मैं एक खैरतमंद पड़ावा असल मुजरम दफांगी है ढीला साहब बादल को पेश कर दें राम 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 एक ही पै कहो लाला जी दीवान जी सच बोलना पूरा बोलना डंडी नहीं मारनी धर्मदास जी कच्चिया गोलियां नहीं खेड दिया आया ढीला साडा खून ही नहीं ढीला जी भी साडा खून है नहीं दीवान जी शीला एक बागी मुसले दी तीया जड़ा मेरा लोटिया सी आज तो 16 साल पहले एक अंग्रेज अफसर नु कतल करके जान पहचान ली अपनी धी नू लैके मेरी हवेली आ बड़िया मैं उन छाती दे दित्ती पर नाल ही पुलिस नु खबर करके उन्हें गिरफ्तार करा दित्ता दीवान जी ऐ मुसले खून खराबे नु बड़े तेज हुंदे आ पर बुद्धिवान नहीं वो भय लग गया ओदी धी मैनू मिल गई नाल राय बहादुरी दा खिताब भी समझ गया मैं हैरान सा कि लाला जी अपनी पुत्री नहीं ओए मूर्खा धर्मदास तेरा सौदा कदे नहीं करता मैं तेरा पालन पोषण ले कीता जब सिर दुध ते असल मिला के कट्ठा ही वसूल कर लांगा नाल ग्रेज को सरदा खिताब मिल जाए ईश्वर की कृपा नाल ताड़ा जोर ही कोई नहीं महंगा सौदा नहीं इसका मतलब है मेरिया रगा विच एक मुसलमान ते बहादुर प्यू का खून है राजनीति है सच बोलना पूरा तोलना डंडी नहीं मारनी मान मर्यादा वधाने लई बंदे नु बड़ा कुछ करना पैंदा पिता जी अपनी कुआरी धी नू एक राक्षस की भेंट चढ़ाद तानू कोई दुख नहीं होना
ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ ਕਾਕੀ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ? ਆਹੋ ਕਾਕੀ, ਸਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚ ਰੁੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਕੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸੀਤਾਰਾਮ, ਸੀਤਾਰਾਮ, ਸੀਤਾਰਾਮ। ਤੱਕ ਲੈ ਕਾਕੀ, ਮੈਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਔਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਈ, ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾ, ਰਾਮ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਾਮ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਛੋਕਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ੀਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਖੰਜਰ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਗਰਲ, ਹਮ ਸੁਨਾ ਹਿੰਦੂ ਛੋਕਰੀ ਡਾਂਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ। ਸਬਰ ਕਰ ਫਰੰਗੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਡਾਂਸ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਐਕਸਲੈਂਟ, ਐਕਸਲੈਂਟ। ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਹਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੀ।
तुम्हारा जान लेना मांगता। आहो फरंगी, आज मैं तेन जिंदा नहीं छड़ांगी। इम्पॉसिबल, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हम तुम्हारा जान लेना चाहता। मैं अपनी जान दे देंगी पर अपनी इज्जत पे दाग नहीं लगन देंगी। फालतू बात नहीं मांगता, फालतू बात नहीं मांगता। डार्लिंग, कैसे? खबरदार भी, मेरे नेरे आन की कोशिश न करी। चुल्ला! मैं उस दौलत के पुजारी से बगैर लाने दीती नहीं जेड़ी चुप चुपी से अपनी इज्जत तेरे कदमों से सुट देगी। वे मेरिया रगा विच एक मुसलमान के बहादुर प्यू का खून है। यू आर ए मुस्लिम, तो लाला हमारा साथ फ्रॉड किया। ठीक है आज तुमको हमारा हाथ से कोई नहीं बचा सकता। मारो, किसको आवाज मारता? वैसे मैं अपने खुदा को आवाज मारूंगी। मेरे बदल शर्म का बात है, एक पेदर्श ऑफिसर मर्डर हो गया और तुम लोग उसके कातिल का पता नहीं लगा सका। सर, यू शट अप। अभी हम मिस्टर फॉर्म की जगह इंग्लैंड जाया, अगर कल में हमको कोई बेरिनियन कदम कर देगा तो फिर क्या होएगा? जब तक हम मिस्टर फॉर्म के कातिल का पता नहीं लगाएगा तुम लोगों को चैन से नहीं बैठने देगा। सर, मेरा ख्याल है कि इस सुराख कत्ल के सुराख का मिस्टर बूटा सिंह से पता लग सकता है। बूटा सिंह? कौन है बूटा सिंह? वो भी एक बागी है सर, उसने एक मर्तबा हमारे साहब पर हमला किया था, हमने उतर लिया, वो अभी तक हमारी कैद में है। गुड, वेरी गुड। हम बूटा सिंह से पूछेगा। बूटा सिंह, हमको मालूम कि मिस्टर ब्राउन के कातिल को तुम जानता। अगर तुम हमको उसका नाम बताएगा तो हम तुमको आजाद कर देगा। ओ ग्रेजा, ओ आजादी भीख का नाम नहीं है, ये खून का दरिया है, ये मंगिया नहीं, जान तली ते रख के मिलती है। अगर तुमने इनकार किया तो हम तुमको बहुत सख्त सजा देगा। ओ ग्रेजा, ओ तू अज अपनी सजा की हद मुका दे ते मैं भी अपने सबर का प्याला नहीं डुलन देना। ओ सुना, ओ सुना, ओ आवाज मार अपनी फौजां नूं।
तुम्हारा कातिल से क्या ताल्लुक है? जेड़ा एक सज्जन का दूजे सज्जन नाल होंदा है और एक भरा का दूजे भरा नाल होंदा है और कान खोल के सुन लो अंग्रेजा मेरा हर उस आदमी नाल ताल्लुक ही जेड़ा साम्राज्य का वैरी ते अंग्रेज का दुश्मन है। ओ यू तेनू तेरे ना तो नफरत है और तेरी हुकूमत तो नफरत है। ओ मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। वेल बूटा, तुम जान देना मांगता, हम कल तुम्हारा इलाका में तुम्हारा जुलूस निकालेगा, फिर तुमको तोप के सामने खड़ा करके उड़ा देगा ताकि तुम्हारा अंजाम देखकर इंडियन लोग बगावत करना तक भूल जाए।
जिद च मुसलमान कौम नू उपसा रही है। खैर अच्छा तू मैनू नहीं जान दे पुत्रा। अच्छा मां खुदा Well, Mr. Sher Mohammed, तुमको मालूम हुकूमत बरतानिया ने तुमको तुम्हारा डैडी का सर्विस के बदले में होगा। सर मुसलमान जितना नमक खाए और इतना नमक हरामी कभी नहीं करता। मैं अपनी जान कुर्बान करके हुकूमत बरतानिया का सही वफादार साबित हो। गुड, वेरी गुड। हम चाहता के चित्रा डाकू को तुम गिरफ्तार करे। ये तुम्हारा पहला ड्यूटी। अगर तुम उस खतरनाक डाकू को गिरफ्तार करेगा तो हम तुमको इससे बड़ा ओहदा देगा। ओके सर, नाउ यू कैन गो। थैंक यू। चित्रा डाकू। Well, Chitaku. Sardar, aaj lalle tarandaz di tee saade hathaan gayi. Gunde, tere salam piyo ne jo sulook saade saare de naal kita hai, oh kadi maaf nahi kita ja sakta. Ek nazar na saare ne chehre wal vekh. असि मुसलमान किसी की धी भैन की इज्जत वाल मैली अख नहीं देख सकते, ना ही किसी ने अच्छे से वार कर सकते। मेरा नाम शीला जरूर है पर मेरिया रगा विच एक गैरतमंद मुसलमान बाप है। मुसलमान बाप का खून है? मेरा गैरत वाला बाबल अंग्रेज का बाकी सी। लाले धर्मदास ने उन्हें धोखे नाल कतल करा और मेरा मुल बच गए। नानक दुखिया सब संसार, यह गल साडे गुरु साहब फरमा गए ने। पर रब का शुक्र यार का ईमान नहीं खाया जाना। भैन शीला, आज तो तेरा नाम सलमा है ते तू मुसलमान मुजाहिद बन के साडे नाल रहेंगे।
सूरज हूं फैसला तुम करो चंद ने के सूरज पुत्रो ना चंद ना सूरज तो नाले मैनू की पता होगा मैं परदेसी हाँ सत श्री अकाल श्री अकाल चंगा फैसला की थी शेरिया अपने यार अनवर का कुछ पता चले नहीं रेशमा पिंड के एक एक बंदे को पूछे पता नहीं मेरा यार कितने चला गया संभल के जाई कदम कदम तो दुश्मन ने जाल फैलाए ने तो फिर की होया मेरा ना बूटा सिंह महारंद्र जी की लत फस जाएगी और नाले गल सुन दुनिया का पालन हार जिहड़ा चिड़िया को बाज मरवांदा मेरे नाल गल की होई रब राखा चित्र दीना की होएगा मैनू यह दस दे टाइम की होया
12 बज गए होने ने ते फिर बाबा तू जा मैं ते बदो बदी जाल च फस जांगा ओए तू जाल च फस जांगा ते मैं कटन दा वाल आंदा चल जा हुन चलो फिर चले ओ भरा कालिया पक्की गल है बूटा से ओ चल मित्रा शहर चल के खान पीन दा समान ले आईगी चलो चलो ओए रुक जा रुक जा ओ कपड़े ते बदल लईए इंज लगदा दो बुझे कोले जा रहे ने ना बहुता हसया कर मशालां दी रोशनी घट जांदी चल Well, my dear sweet baby, ये क्रिसमस हम बड़ा शानदार तरीके से मनाएगा Very good, और इस क्रिसमस के मौके पर हम अपना बेबी लोग के लिए इतना बड़ा क्रिसमस ट्री बनवाएगा की खबर ले रखिया सरदार कल छोनी दी मैसेज बड़े बड़े अंग्रेज क्रिसमस नाइट का जश्न मना रहे क्रिसमस नाइट का जश्न मना रहे हैं बादरी की हुक्म है सरदार साढ़े वालों आज फरंगी नू एक खत भेज दे असी भी इस जश्न शामिल होना चाहिए तुम्हारा लापरवाही से चित्रा डाकू कितना बेखौफ हो गया है अब वो हुकूमत बरतानिया को चैलेंज करता है ये देखो उसका लेजर डोंट वरी सर आज तो चित्रा डाकू बच के नहीं जाएगा शेर मामाज हमने तुमको बहुत टाइम दिया एक चांस और देता है ये तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है अगर चित्रा भी बचकर निकल गया तो हम तुमको डिसमिस कर देगा मैं मंजूर है सर तुसी इत्मीनान नाल क्रिसमस नाइट मनाओ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਓ ਜੀ ਆਖਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਜੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਸ਼ੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਈ ਉਹ ਨਸ ਨਸ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਵੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਚਿੱਤਰਦੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੂਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾ ਮਰੋੜ ਕੇ ਯਖਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੁੱਟ ਦੇ ਓਏ ਟਾਕੂਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ ਓਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਨੇਰਾ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਚਾਨਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੁਰਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕ ਡਾਕੂਆ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਜੁਰਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੌਫਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਤੱਕੇਗਾ ਤੇ ਤੱਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਅਨਵਰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਕੀ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸ਼ੇਰੇ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਨਵਰ ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰ ਸ਼ੇਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਡਾਕੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਭੁੱਲ ਜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਜੁਰਮ ਇਤਰਾ ਹੈ ਯਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾ ਅਨਵਰ ਅਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਡਾਕੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕੂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਨਵਰ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਹੂ ਨਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਮਡਾਸੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਵਤਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸ਼ੇਰੇ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਸਮ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਡਾਕੂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਅਨਵਰ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇ ਚਾਨਣ ਚ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਜੇ ਤੂੰ ਫਰੰਗੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲਈ ਸ਼ੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਮਨ ਅਨਵਰ ਤੇ ਚਿੱਤਰੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਯਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਢੂੰਡਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੇਰੇ ਫਰੰਗੀ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਯਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸੀਨਣਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸ਼ੇਰੇ ਇਸ ਵਤਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਫਰੰਗੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਾ ਨਹੀਂ ਅਨਵਰ ਤੂੰ ਚਿੱਤਰਾ ਡਾਕੂ ਬਣ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਖ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਾਂ
बूटा सिंह शेरे ने जड़ी जिद की है वो पूरी की जाए असी नहीं चाहते कि साड़ा यार इतों नाराज होकर जाए। ओ शेर दीना सौ गुरों की दिल से चाहता सी तेरे गुड़ से गाना बन दे वो पर तू बच्चों वाली जिद की हूँ पट्टी बननी पई है चल जा रहा। दिल दा रज के ओले आने गुस्से हो के टुर गया यार साडा सानू अजे भी बार तेरा तेनू नहीं पावे एक बार साडा दिल तैनू कद दसया नहीं चेत करके यादा पुरानियां कद हसया नहीं कद रो लेकर चित्रा के घर पर अटैक करेगा। मैनू चित्रे डाकू दी घर का कोई पता नहीं वो लोग मेरी अखा ते पट्टी बन के ले गए सन ते अखा ते पट्टी बन के छड़ गए सन। तुम बच्चा है तुम्हारा चित्रा के साथ जरूर कोई ताल्लुक है इसीलिए वो तुमको बंजा छोड़कर चला गया। शेर मामद अगर तुमने चित्रा के घर का पता ना बताया तो हम तुमको चोट कर दे। हमारा खामोशी तुमको मुजरिम बना देगा। अगर तुमने जबान न खोला तो हम तुम्हारा जबान हमेशा के लिए बंद कर देगा। शेर मामा तुम ऐसे नहीं मानेगा। काश काश
अपने वफादार हमेशा संजीर या मौत के तमगे दिते ने उन्हें साड़ी गार दा अंग्रेजों पर दसन तो इनकार करता है इस जुर्म की सजा मिल रही है कसम है जे शेर ने साड़ी हमें सिर चुके ते फिर फरंगी दी कैद ते हनेरे ओदे ते हराम ने का रोशनी मत छीना अगर ये अंधा हो गया तो हमको वो रास्ता नहीं बता सकेगा जो छतरा डाकू के गार को जाता है शेर महाराज अगर जिंदगी चाहता तो हमको छतरा डाकू के गार का पता बताओ छतरा डाकू नहीं डाकू आदे सीने ते रखी हुई मजलूम आदि तलवार है ओए फरंगिया ते वर्गे चंद डाकू वापस मिल जान ते हुकूमत बन जाती है चित्रे वर्गा एक इनकलाब भी कल्ला रह जाए तो डाकू बन जाता है और यू शराब हम तुम्हारा सर ना देखा और फरंगिया मुसलमान ने करबला तो लाया के कयामत तक अपना सिर कटा के सिर उच्चा रखना है तो सिर कट के कोई नवी मिसाल कायम नहीं करेगा शेर खान मत भूलो कि तुम ब्रिटिश एम्पायर का मुलाजिम है अगर तुम हमको चतरा डाकू के घर का पता बता देगा तो हम तुमको माफी देकर फिर नौकरी में रख लेगा ओए तू एक भूल गई है कि मैं एक मुसलमान भी आते मुसलमान झूठ कभी नहीं बोलता मैं तेन पहले भी कह चुका कि मैंने चित्रे डाकू की कार का बिल्कुल नहीं पता मालूम होता तुमको अपना जिंदगी प्यारा नहीं है शेर खान एक मतलब फिर सोच लो मेरा एक इशारा तुम्हारा जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा मैं जो कहना सी कह देता है तू अपना फैसला सुनाए फरंगिया और राइट यू द डेजर्ट जा जा फरंगिया चतरा डाकू तुम मैं फरंगिया बरतानिया की शहर अगते रखी हुई तलवार तेरी तलाश की मंजिल ते शेरे की रिहाई की शर्त चित्रा यो चित्रा डाकू फरंगिया ये फैसला तारीख से छड़ दे डाकू तू है या मैं मैनू गिरफ्तार कर लै ते शेर ने छड़ दे खास खास शेर मामद को रिहा करो अब केड़िया सोचा च डुबे हैं शेरिया एडिया डूंगिया सोचा सोचन वाले कभी तरक्की नहीं कर सकते सोचन वाले तो तरक्की करते ने अब्बा जी सोचन वाले ने तो एक नवा मुल्क सोच लिया है उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान ओए पाकिस्तान से पता नहीं कदों बनेगा पर तू एक बड़ा अफसर बनने लई चित्रे डाकू की वार का पता हुकूमत नूं दस दे चित्रे की गिरफ्तारी का इनाम भी सानू मिल जाएगा ते तेरा ओहदा भी बन जाएगा अप्पा जी तुसी चित्रे की गिरफ्तारी का इनाम हासिल करना चाहते हो ते चित्रे ने साडे पुत्र की जान पछाण लई अपनी जिंदगी अंग्रेज के हथ बड़ी सस्ती बेच दी है चित्रा शेर तो कुर्बान होना चाहता है पर शेरा चित्रे नु अपने आप तो कभी कुर्बान नहीं होने देगा कभी कुर्बान नहीं होने देगा
मैं भी आजादी का परवाना है भाजी। लो तुम अंग्रेज का नष्ट मुकाओ तो मैं जरा नहर से ना आव। तेन सलाम है मुसलमाना। ओए सुनो आजादी दे परवाने हो पोजिशन लैके तो टेंशन होके खड़े हो जाओ। असि थले चले हाँ जे फरंगी दे किसी आदमी ने सानू पछाण की गोली चला दी तो तुसी भी फायरिंग खोल देना तो वेखना किधर सानू भी बिचे ना भुन देना। आ जा सारी हर जाएगी और कीर्ति कतराई तो पानी फिर जाएगा दुखी कर नहीं जानी। सुटियां लग जाए भाई ऐ सुटा ये भी ना सुट ऐ ना कहना ये भी ना सुट यार ऐ ठीक है वो ना सुट वो तो फिर किड़ा सुटा मैं तो कहना सुट ही ना Thank you.
वेल बेटा, चित्रा डाकू बहुत बड़ा डाकू है जिसका गिरफ्तार के लिए मिलिट्री को मुकर किया गया। सर, मिलिट्री इसलिए मुकर किया गया है तो पहले अकेला चित्रा डाकू ने हुकूमत को परेशान कर रखा, अब उसके साथ सारे शेर मिल गए, इन दोनों मिलकर हुकूमत को बहुत नुकसान पहुंचाया। हुकूमत को बचाने को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हम इन दोनों बागी को गिरफ्तार करके ऐसा ही सच्चा सजा देगा कि ये सारे जेल के नहीं बोलेगा। इन दोनों का लाश बहुत जल्द हमारे ठाकुर में होगा। तनु अपनी जिंदगी खतरे से पानी चाहिए, जो तनु गिरफ्तार कर लेंगे तो फिर की होना सी। इस तो वे खुशी मेरे लिए और क्यों हो सकती है चित्रिया, ते नाले सबक तू ही मैंने पढ़ाया है कि अपने लिए तो सारे जिंदे ने जिंदगी वही है जेड़ी किसी के काम आवे। सही सलमा, तनु मेरे पीछे नहीं सियाना चाहिए। मेरी मंजिल तू है चित्रिया, ते अपनी मंजिल तक पहुंचने लिए मैंने कोई नहीं रोक सकता। तू कपड़े ला के बैठा है मालिश कराने दिया, वो तेरे जिन्हें पट्ठे ते नहीं कजमोर हो गए। मैं कह शर्मा है, जे तेरी मंजिल ए तो पहले कि तू अपनी मंजिल मशकूत तो थले डिगे तेरी लक की संगली टूट जाए, वो मैं मालवी साहब उठा के तुम्हारा निकाह ही पढ़ा देना। क्या चित्र डाकू बहुत बड़े डाकू है जिसका गिरफ्तार के लिए मिलिट्री को मुकर किया गया। सर, मिलिट्री इसलिए मुकर किया गया है तो पहले अकेला चित्रा डाकू ने हुकूमत को परेशान कर रखा, अब उसके साथ सारे शेर मिल गए, इन दोनों मिलकर हुकूमत को बहुत नुकसान पहुंचाया। हुकूमत बचाने को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हम इन दोनों बागी को गिरफ्तार करके ऐसा ही सच्चा सजा देगा कि ये सारे जेल के नहीं बोलेगा। इन दोनों का लाश बहुत जल्द हमारे ठाकुर में होगा। तनु अपनी जिंदगी खतरे से नहीं पानी चाहिए, जो तनु गिरफ्तार कर लेंगे तो फिर की होना सी। इस तो वड्डी खुशी मेरे लिए और क्यों हो सकती है चित्रिया, ते नाले सबक तू ही मैंने पढ़ाया कि अपने लिए तो सारे जिंदे ने जिंदगी वही है जेड़ी किसी के काम आवे। सही सलमा, तनु मेरे पीछे नहीं सियाना चाहिए। मेरी मंजिल तू है चित्रिया, ते अपनी मंजिल तक पहुंचने लिए मैंने कोई नहीं रोक सकता। ओ मैं कह तू कपड़े ला के बैठा है मालिश कराने दिया, वो तेरे जिन्हें पट्ठे ते नहीं कजमोर हो गए। मैं कह शर्मा है, जे तेरी मंजिल इस तो पहले कि तू अपनी मंजिल मशकूत तो थले डिगे तेरी लक की संगली टूट जाए, वो मैं मालवी साहब उठा के तुम्हारा निकाह ही पढ़ा देना। क्या ये की कह रहा है? वो चुप कर, तू ने बहुत बागा अड्डे, तेन की पता वे बेवकूफा, वो साल हा साल तो गार च रह डे, वो परालियां खा खा के साडे सारे ने। वो मैं तेन सवेरे वेखा तू सुता पिया सर ते हिनकन दे रहा, तो साडी कोई जिंदगानी है? वो मैं चाहना इत जशन होन फिल्मा ए काम खा खा के रेवड़ी वर्गा मूह हो गया, और मेरे को चीजा बर्दाश्त नहीं होंगी। जो साढ़े को पैसे मंगे अभी फायरिंग खोल देंगे तो देख तू अनकार ना है। और मैं रिश्ते ही कर दी, तेरा सज्जन भी हाँ, तेरा मित्र भी हाँ, तेरा बेली भी हाँ, तेरा प्यू भी हाँ, तो जो तू अनकार किया तो मैं तेन दस दी गल तो कोई ऐसी नहीं, बाकी वो ना हो तो फिर मैं तेन दस दी बाकी लाने तेरी जिंदगानी जे तू इनकार करे ती
मित्रो चुनिया जोड़ के खेडो सुरां लाओ बोलिया बोलो राव बूटा सिंह तेरा ही इंतजार सी चल बैठ तू ही बिस्मिल्ला कर लो फिर मैं शुरू करना है तो बोली सुनो तेरी खटन ते सुई अड़ गई है कोई अगे भी कुछ कहो वो तू ठपिया रहो वो मैनू ए तो सोच लेंदे उन्हें खट के लियाना की है यार बूटा से तेरी याददाश्त बहुत ही खराब है वो तू अल्लाह जी ते मैं तंग ना करया कर गुरां दी सौ जिहो जी मेरी याददाश्त है किसे दी भी नहीं अजमा के वेख लवो ठीक है ते फिर वह गाना सुना जिहड़ा उस दिन टिब्बे ते सुनाया सी फिर मन्ना रबी सौ गुरां दी ओ नहीं जे मैनूं याद छड्डो यार तुसीं हाथ च गल पा दिंदे हो मेरी गल सुनो तो पहले कोई म्यूजिक जमाओ तो फिर शायद मैं कुछ है याद आ जाए शुरू कर 1 2 3 सुर लाते मैं शायद याद आ गई मैनू भजन याद आया वो मेरे पिता स्वर्ग वासी आ जहानी ने तोप दे अगे उड़न तो पहले गाया सी सुना फिर लो फिर सुनो ला ठेका प्रभु जी तेरी लीला ब्रह्मा प्रभु जी तेरी लीला ब्रह्मा पैदा हो पर दम तोड़े लाखों भूखे और बीमार पेट की खातर तन को बेचे नारी बीच बाजार ओ नीले अंबर के बसैया तेरी जय जयकार प्रभु जी तेरी लीला लीला सर पर ताज सजे लोग सच की उभरे खा धर्मी बंदे कष्ट उठावे मौत करे चंडाल हम तेरा कोसी सुने बढ़ गए भर गए चोज बजार प्रभु जी ते दिलीला कहना को आटा सलमा जो तू चाहे कभी नहीं हो सकता
तेरी मौत अगे कल बच्चे खड़ोगी मेरी मौत अगे डाको मौत तुम्हारे चारों तरफ खड़ा है अपनी जिंदगी चाहता है तो राहुल फेंक दो मौत न खेलना मेरी आदत बन चुकी है तू अपने सिपाही को अपना आखिरी हुक्म सुनाए फिर बैठ मैं तेरी मौत न खेलता है और किस तरह नजर आना तेरा जुल्म शेर तक नहीं पहुंच सकता ये मेरा फैसला है बेटा इसकी मौत का ऐलान कर दो इसकी मौत का खबर सुनकर शेरा बागी चिल जाएगा इसका पूरे गांव में जुलूस निकालो और उसके बाद इसको छानी हमारे बस्ते कराओ ले आई मैं अपने चित्रे नु आप आजाद करा लांगी ओ नहीं सलमा अजय चित्रे दा एक यार जीउंदा है ते जिहदा यार जीउंदा होवे सौ गुरां दी उन मौत भी सलाम करके लंघ दी ओ ग्रेज दियां फौजां ते कोई शै ही नहीं मैं अज अपने भरा चित्रे दे सामने कंध बण के खलो जांगा ते ग्रेज दी तोप विचों निकलन वाला हर गोला अपनी हिक ते सांगा सिर झुक दे नहीं कदे जुल्म आगे ए हो शुरू तो सेवा दीवानिया दा तू मात नु क्षमा बना दिता हुण रस वेखी परवानिया दा समान वतन दा रखना है सिर लथना है धड़ नचना है सिर लथना है धड़ नचना है समान वतन दा रखना है सिर लथना है धड़ नचना है सिर लथना है धड़ सदा जुर्म देश नाल इश्क सानू तेरी मौत मशूक पई लगदी है नेड़े आत चूके पांच फाहली नखले नाल बिठकदी है तू मार गणा सा हसना है सिर लगना है धड़ शेरा अपनी जिंदगी को खतरा में डालकर चित्र को बचाने नहीं आएगा शेरा नहीं भी आएगा जब भी हम इस जासूस को इस टॉप के सामने उड़ाएगा डाकू नहीं आए
ڈاکو تول ہے جنہیں میرے وطن سے ڈاکا مارا ہے میں باغی آئے میرے سینے میں چڑی پیے جدو دے شالے اور کاری چا نکلے تے منو قسم اپنے پاک وطن دی تیری ساری قوم نو سار کے ساتھ آ دے گی Thank you.